वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो HEC का एसे राइटिंग का कंपटीशन था, जो कि जिसकी 26 लास्ट डेट थी HEC इस्लामाबाद को पहुंचने की। उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको बाद में पता चला या जिन्होंने एसे लिखा लेकिन वो TCS कराना भूल गए या जिनकी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज थी, तो वो अपने प्रिंसिपल से या रजिस्ट्रार से साइन नहीं करा सके। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि HEC ने सबमिशन की डेट जो है वो 6 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी है। तो ऐसे बच्चे जो अपना ऐसे किसी वजह से नहीं भेज सके, ईमेल नहीं कर सके, या फिर जो है वो TCS नहीं करवा चुके, या एक दो ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने कहा कि सर मैंने 26 को ही TCS करवाया तो अब ये कैसे पहुंचेगा या कब पहुंचेगा। तो उस वक्त भी मैंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि हो सकता है HEC जो है वो डेट एक्सटेंड कर दे, क्योंकि अमूमी तौर पर क्राइसिस में HEC भी वाकिफ है हालात से, कि जैसे सिंध के बच्चे हैं तो वहाँ पर हैवी फ्लड्स की वजह से डाक का निज़ाम मुतासर है, इवन TCS का निज़ाम मुतासर है। जैसे बलूचिस्तान का ज़मीनी रबता कट गया तो वहाँ से डाक का निज़ाम अफेक्ट हो रहा है। तो HEC ने इस पेश नज़र डेट जो है वो 6 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी है। जिन बच्चों ने लेट भेजे थे और वो अगर बहुत परेशान थे कि हमारी डाक जो है वो HEC काउंट करेगी या नहीं करेगी, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर देम कि उनकी डाक जो है वो काउंट हो जाएगी। और जिन बच्चों को बिल्कुल एक दो दिन पहले पता चला कि ऐसे कंपटीशन है और वो नहीं राइट अप कर सके, तो वो अभी राइट करके ऑन टाइम जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करता जाऊँ, आपकी एप्लीकेशन जो है वो 6 सितंबर तक हर सूरत में पहुंच जानी चाहिए HEC टू इस्लामाबाद। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि हम अगर यानी 26 की ही डाक हो तो 27 को अगर पहुँच जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अमूमी तौर पर जो इदारे होते हैं वो उसी डे की जो लास्ट कट डेट होती है उस तक की डाक वसूल करते हैं। लेटर ऑन वो डाकियों को कह देते हैं कि ये डाक आप वापस कर दें। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता जो एक दफ़ा मैंने CSS की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी थी ऑनलाइन, और उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने लिखा था कि आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अब चलान भी ऑन टाइम पेड था, वो किसी ना किसी तरह डाक के ज़रिए ना एप्लीकेशन एक दिन लेट गए। तो मुझे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बड़ा लेटर मौसूल हुआ कि योर एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड 1 डे आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द, हालाँकि वो हार्ड कापी थी। तो ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, बल्कि ऑन टाइम अर्लियर जितना पॉसिबल हो आप वो भेज दें, ताकि 6 सितंबर को आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो इस्लामाबाद HEC में पहुंच जानी चाहिए। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर इसकी तकरीब कब होगी। डेफिनेटली अब अक्रॉस द कंट्री एसेज आ रहे हैं, तो उनको चेक करने के लिए HEC को अवेलुएट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। इट माइट बी 1 मंथ टू 2 मंथ्स एज वेल। HEC के पास एक्सपर्ट्स तो होते हैं, लेकिन उस एक्सपर्ट्स के लिए उनकी कॉल करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, फिर अवेलुएट करना, फिर डाटा टेबुलेट करना, फिर उसकी रिजल्ट की सेरेमनी के लिए डेट देखना कि किस डेट को की जा सकती है, तो इट टेक्स टाइम। इट मे इवन टेक अप टू 2 or 3 months as well। तो इस हवाले से परेशान हो आप, अच्छे से वाला ऐसा लिखें और भेज देना। उम्मीद है आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी ना। विद दिस गुड बाय।